सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि शेरविन द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 54वें पृष्ठ की 28वीं पंक्ति पर 42वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर उद्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, अबाउट द इल्यूजन ऑफ द होप्स दैट पास बिहाइंड द अपीयरेंस एंड द ओवर्ट एक्ट बिहाइंड द क्लॉकवर्क चांस एंड वैग्यू सरमाइज एमिड द रेसल ऑफ फोर्स द ट्रैम्पलिंग फीट Across the trump, fighting and despair, they watch the bliss for which earth's heart has cried on the long road which cannot see its end, winding undetected through the sceptic days. And to meet it guide the unheedful moving world. Thus will the masked transcendent mount his throne. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्त जगत में मानव जीवन परिवर्तनशीलताओं से भरपूर जीवन मात्र ही है। आशाएं उदित होती हैं, अधिकांश धूल दूषित होकर चूर चूर हो जाती हैं, और यदि कुछ आशाएं किसी तरह परिपूर्ण भी होती हैं तो भी वे मात्र भ्रमपूर्ण परिणामों को ही लाती है। सतह पर घटित होने वाली घटना और परिणाम एक प्रकार से ऐसे ही दिखते हैं, किंतु सत्य में तो वे अनुभूति होने पर दूसरे प्रकार के ही होते हैं। सतह पर दिखाई पड़ने वाली क्रियाएं भीतर में होने वाली क्रियाओं से प्रेरित होकर कुछ भिन्न परिणाम ही लाती है। एक और जीवन गतिविधि को नियमित विधिवत तथा यथार्थ शुद्धता से यदि चिन्हित किया जाए तो इससे होने वाले निश्चित परिणाम दूसरी ओर परिणामों की संदिग्धता अनिश्चितता भरे परिणामों के घटित होने की प्रबलता का अस्तित्व सदैव बना ही रहता है। इस प्रकार निश्चित एवं संदिग्धता के संघर्षमयता की रुचिगत प्रवृत्तियों से संसार में शक्ति संपन्नता हेतु युद्ध अस्तित्व के लिए संघर्ष और विजयी होते होते पराजित हो जाना, ऐसी घटनाएं सामान्य तौर पर देखी जा सकती है, किंतु क्षणभंगुर आशा माया से ऊपर जो बाह्य कर्म तथा रूपायित आकारों के पीछे इस यांत्रिक से देवयोग के पीछे
और अस्पष्टानुमान के पीछे तथा शक्ति संपन्नता हेतु किए जाने वाले द्वंद युद्ध के भीतर और इन सब कुछ के परिणामों की पग रौंधन धसकन में मारा मारा फिरता है दो पैरों वाला मानव युद्ध में प्राप्त विजय की महान सफलता या उल्लास अकारण युद्ध से होने वाली हानि की घोर निराशा के चलते जाते जीवन गति के परे सृजित सृष्टि एवं मानव हृदय जिस भागवत संकल्प सिद्धि हेतु अभिव्यक्ति में आए इसके हित उदित करते करुण पुकार और व्यक्त स्वरूपों में ही उस अपने अव्यक्त मूल के मिलन का दिव्यानंद के अस्तित्व एवं लंबे मानव जीवन पथ पर जिसका कभी कहीं अंत नजर ही नहीं आता दुख कष्ट रोग शोक संत्रास संताप मृत्यु का अंत कब होगा ढूंढे भी नहीं मिलता और यह सर्वोच्च विकसित अर्ध चेतन मानव निज शंकाग्रस्त दिनों घड़ियों को जैसे व्यर्थ ही बिताता जाता हो और भ्रमपूर्ण अवस्था में लक्ष्य संसिद्ध न कर पाने के कारण अनजाने ही यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता रहता है। ऐसी व्यक्त जगत की प्रत्येक क्षण की घटित होने वाली समस्त घटनाओं पर ये नियुक्त भागवत शक्ति संपन्न देवगण अनिंद्रित रहकर सतत निगाह रखते और इस असत अज्ञानंधकार आवरणित असावधान फिरती रहने वाली जगति को दिशा दर्शन भागवत संकल्प सिद्धि का सतत प्रदान करते ही रहते हैं। भागवत शक्ति संपन्न परानिवासी देवों की जगत एवं मानव को की जाने वाली उदित भागवत संकल्प सिद्धि दुरुप्रयास में सहायता रूपी परम सुख प्रदायिनी धन्यता और सृजन एवं सृजित सृष्टि अस्तित्व के जीवन प्रयासों का सतत बिना रुके चलने वाला मंद विकास परम आनंद प्राप्ति के लक्ष्य संसिद्धि का प्रयास ही तो है। उनका यह दिव्य कार्य किंतु व्यक्त रूपों में दिव्यत्व देवत्व के प्रागट्य का मार्ग तो बहुधा लंबा बहुत दूर एवं अज्ञात स्थित मानो एक खजाना है जो मानव जीवन यापन में आशाओं निराशाओं के संशयात्मक बीहड़ जंगल के पीछे सुदूर अनजाने स्थान पर स्थित है जिसके वहां पर होने तथा जीवन में कभी उपलब्ध न होने के आनंद पर संदेह के गहरे बादल सदैव छाए ही रहते हैं। सत्ता स्तरों का दिव्य रूपांतरित होकर स्वयं व्यक्त रूप में भगवान बनकर धरती पर जीवन जीने का यह लक्ष्य कभी संसिद्ध हो भी सकता है या कि मात्र एक मृग तृष्णा ही है जिसको पाने के लिए व्याकुलता पूर्वक कष्ट दुखों को सहते हुए भी यह मानव मारा मारा व्यर्थ ही भटकता फिरता है।
किंतु उसके भीतर छिपी अंतरात्मा में भागवत लक्ष्य संसिद्धि की निश्चितता एवं संसिद्ध किए जाने वाले लक्ष्य की सचेतनता रूपी विशुद्ध कस्तूरी की मीठी लुभावनी मंद मंद गंध तो मानव को जाने अनजाने किए जाने वाले प्रयत्न में सदैव तत्पर रखकर सतत प्रेरित कर आगे और आगे बढ़ते चले जाने की ऊर्जा की धुन प्रदान करता ही जाता है और इसी ऊर्जा की मधुर आने वाली समस्त मुश्किलों कठिनाइयों एवं असंभव लगने वाले संदेहों से ऊर्ध्व परालोक स्थिति देवता इन पर अपनी दृष्टि एक टक कड़ाए रखकर समस्त अभिव्यक्त रूपों आकारों के भीतर निवसित पूर्ण सचेतन दिव्यांश को आवश्यक सहायता की रसद रूपी खेप भागवत लक्ष्य संसिद्धि मार्ग पर बढ़ते चलने के लिए जगत एवं मानवीय सैन्य को सतत भेजते ही रहते हैं ताकि भागवत संकल्प सिद्धि प्रयासरत अभिव्यक्त प्रत्येक अणु से लेकर मानव रूपी संपूर्ण सैन्य दुख कष्ट रोग शोक संत्रास संताप की अवसाद भरी स्थितियों से गुजरते हुए भी व्याप्त नैराश्य की स्थिति को छिन्न भिन्न करके नित नवीन शक्ति का संचार करते हुए हर हर महादेव का समूचे ब्रह्मांड में नाद उपस्थित करते रहते हैं ताकि ध्रुव उबाऊ लगने वाला कठिन कभी न समाप्त होने वाले इस लंबे युद्ध से सृजित सृष्टि एवं सर्वश्रेष्ठ विकसित अभिव्यक्त मानव पलायन करके हार न स्वीकार कर ले और कुछ अधिक शक्ति संपन्न बनकर शक्ति संपन्नता के सतत विकसित होते जाने से एक दिन सब कुछ असत अचित अज्ञान का एवं देश काल सीमा शासन को आवरणित भागवत अंश सचित अचेत चेतना रूपांतरित होकर भीतर छिपे अवगुंठित गूढ़ परात्पर के इन अंश कि इस व्यक्त जगत एवं जागतिक चेतना के ऊपर विजयी होकर एक दिन सिंहासनारूढ़ बन जाए इसी मनोभाव से हम आज इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। सी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।